परमाणु में महिला और नगर परिषद अध्यक्ष के बीच विवाद में महिला आयोग की अध्यक्षा डेजी ठाकुर का नाम आने से राजनीतिक मुद्दा गर्मा गया है, जिसके चलते नगर परिषद अध्यक्ष के पक्ष में कांग्रेस नेताओं ने सोलन में पत्रकार वार्ता की। वहीं परमाणु आईटी सेल के प्रभारी ने भी महिला को साथ लेकर पत्रकार वार्ता की। कांग्रेस और भाजपा दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, जहां कांग्रेस का आरोप था कि महिला की आड़ में नगर परिषद के अध्यक्ष जो 70 वर्ष के हैं उन पर निशाना साधा जा रहा है और साथ ही मामले को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं भाजपा का आरोप है कि कुछ समय बाद परमाणु में नगर परिषद के चुनाव हैं और वे चुनावों में मतदाताओं की सहानुभूति लेने के लिए ये प्रपंच कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने नगर परिषद चुनाव का अभियान महिला के विवाद से किया है। आपको बता दें कि ये मामला 3 दिन पुराना है और परमाणु नगर परिषद ने महिला के खिलाफ आरोप लगाया था कि उनके चालक ने उन पर गाड़ी चढ़ानी चाहिए, जिसको लेकर महिला ने भी महिला आयोग की अध्यक्षा डेजी ठाकुर के पास शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसको लेकर कांग्रेस ने भाजपा को निशाने पर लिया और यहां आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने इस बारे में कहा कि कांग्रेस नेताओं पर परमाणु में हमले होते हैं, पहले हरजीत बाबा के ऊपर हमला हुआ, अब नगर परिषद के अध्यक्ष पर हमला हुआ और जिन लोगों ने हमला किया उनकी पैरवी भाजपा नेत्री कर रही हैं, जो बेहद गलत है। इसलिए वे जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं कि ये जो भी मामला है उसकी सही जांच होनी चाहिए। 3 दिन पहले हमारे जो कसौली निर्वाचन क्षेत्र के अध्यक्ष हैं श्री ठाकुरदास शर्मा जी, जो कांग्रेस के अध्यक्ष तो हैं, साथ ही साथ वहाँ की जो नगर परिषद है उसके भी निर्वाचित अध्यक्ष हैं, इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और जानलेवा हमला होने के बाद उस हमले के पीछे वहाँ की एक भाजपा की नेता है बहुत बड़ी, जो सरकारी पद पर भी विराजमान है, वो उन लोगों को जिन्होंने हमला किया उनकी पैरवी कर रही है थाने में जाके और इन्हें डराने धमकाने की कोशिश कर रही है। इससे पूर्व भी हमारे जो इंटक के अध्यक्ष बाबा जी हैं हरजीत बाबा जी, इनके ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ, ये बेचारे पीजीआई में रहे और उस दौरान भी किस तरह का ड्रामा बीजेपी वालों ने किया आपके सामने है। मैं समझता हूँ अब इंतहा हो गई है, अगर इस तरह का बीजेपी का क्रम जारी रहा तो हम उनसे सड़कों पर भी निपटना जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रशासन और एसपी साहब से हमारा निवेदन है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एक 70 साल का व्यक्ति सीनियर सिटीजन, उसके साथ इस तरह का बिहेव, वो भी सरकारी, उसके सरकारी नेता के अंडर, इसकी निष्पक्ष जांच की हम मांग करते हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान नगर परिषद के अध्यक्ष ठाकुरदास शर्मा ने कहा कि भाजपा जानबूझकर मामले को दबाने और कमजोर करने चाहती है, इसलिए वे चाहते हैं कि इन दोनों तरफ से जो शिकायत दर्ज की गई है तो ऐसे में जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन भाजपा इस मामले पर जांच को प्रभावित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि वे 70 वर्ष के हो चुके हैं लेकिन उन पर गुंडागिर्दी का आरोप लगाया जा रहा है, अगर उन पर आरोप साबित होते हैं तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। मैं ठाकुरदास शर्मा, अध्यक्ष नगर परिषद परवाणु। पिछले दिनों में हम मेरे बिल्कुल घर के साथ ही 3-4 घर छोड़ के 2 पड़ोसियों का आपस में झगड़ा था, उसको मिटाने के लिए हमने पूरी ताकत लगाई। 4 महीने से मैं लगा रहा, बीच में लॉकडाउन की वजह से रह गया, वो एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे। एक को मैंने तैयार किया तो जो दूसरा ग्रुप है बुलर ग्रुप, वो तैयार नहीं हुए। मैंने काफ़ी कोशिश करने में, DSP साहब के पास भी गया, उनसे भी रिक्वेस्ट की कि इनका कोई ऐसा हल करते हैं कि इनको बिठा के, नहीं तो किसी दिन बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। मुझे पता नहीं था झगड़ा मेरे ही गले पड़ जाएगा। मेरे को एकदम कहा कि आप MC हैं और आपकी ड्यूटी बनती है, हमारा फैसला करा है, हमारे घर इन्होंने आज जादू टोना किया, कुछ फेंका है। तो मैंने उनका कहा MC का काम नहीं है कि आपका जादू टोना ऐसा करें, घरेलू वो है उसको आप बैठ के आप खुद निपटें। तो उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया और कुछ गुस्से में, शाम के टाइम मैं खड़ा था, एकदम गाड़ी मेरे पास से लेके गए और ऐसा लगा अगर मेरे साथ होना होते मेरे को खींचते तो मेरे को उस दिन उन्होंने मार दिया। और उसके बाद मैं जैसे घर के पास उनके जा रहा, मैंने इसको ड्राइवर को जरा समझा के रखें, लेकिन वो एकदम तैश में आ गए और उन्होंने कुछ बोला तो मैंने भी कुछ बोला, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं, उन्होंने भी बोला लेकिन ऐसा कोई ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं हुई थी। उसके बाद वो एकदम ज़्यादा भड़के तो मैं फिर पुलिस स्टेशन गया, मैं पुलिस का भी धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने उसी टाइम FIR लिखी और मोहल्ले के लोग भी सारे हमारे साथ गए, उन्होंने भी सारों ने किया। और इसका फैसला तो बड़ा आसान सा है, किसी भी को डिप्यूट कर दिया जाए और मोहल्ले के किसी भी 10 आदमियों से पूछो, एक भी आदमी अगर नेगेटिव बात मेरे बारे में कह दे तो मैं तो बिल्कुल विड्रॉ कर जाऊंगा अपने आप को। लेकिन ये बिल्कुल उस चीज़ पे नहीं चल रहे हैं, उल्टा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, गुंडे हैं, सारे शहर को पता है कि मैं कितना बड़ा गुंडा हूँ, क्या हूँ मैं, 70 साल की उम्र में क्या गुंडागर्दी करूँगा।
आपने ये भी बोला कि गलत साबित होता हूं तो राजनीति छोड़ दूंगा। बिल्कुल छोड़ दूंगा, मैं तो वैसे भी 70 साल में रिटायर होने के चक्कर में, मेरे को ज्यादा शौक नहीं है तो जनता सेवा कर रहा हूं। तो मैं तो इसीलिए लोग मेरे को कहते हैं भाई नहीं आप तो वो करो, जो काम किए हैं लोग अभी तक याद कर रहे हैं सारे, और मेरे को तो खुद ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आए हैं जो कहते हैं नहीं आपको घबराने की, जो हम आपके साथ हैं। वहीं महिला ने बताया कि वे अपने घर पर सुरक्षित नहीं है, नगर परिषद के अध्यक्ष उन पर आकर उनके पति और बेटे पर हमला करते हैं, जिसके चलते वे मजबूरन महिला आयोग की अध्यक्षा डेजी ठाकुर को अपने साथ लेकर पुलिस थाने जाती हैं। तो मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, लेकिन वे चाहती हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। मुझे आज आप तक इसीलिए पहुंचना पड़ा क्योंकि मैं अपने घर में आई एम नॉट फीलिंग सेफ। मेरे को अपने परिवार, अपने हस्बैंड, अपने बेटे और अपने पे, मैं अपने घर में सुरक्षित नहीं हूँ। सो ऑल आई वांटेड वाज कि भी एज अ वुमन अपने घर में मुझे सेफ्टी मिलनी चाहिए, एंड इस सारे हादसे के बाद आई एम टोटली अनसेफ। मामला कुछ भी नहीं है, कोई हमारी नेबरहुड से कोई लड़ाई नहीं थी जिसको उन्होंने लड़ाई बना दिया। देर इज़ नो, हमें अपने पड़ोसियों से कोई लड़ाई नहीं, आर्ग्यूमेंट थी, एक आर्ग्यूमेंट को फैसला करो, उसका हल करो, कोई जरूरत नहीं थी। हम तो बोलते रहे हमें कोई आर्ग्यूमेंट में हल करना नहीं है, देर इज़ नथिंग टू बी सॉर्टेड आउट। और अगर कोई और चीज़ों पे नुकसान हो रहा है तो उसको जाके इशू क्यों बना दो कि आपके नेबर्स ने करा होगा। हमने तो नहीं बोला आपने हमारे नेबर्स ने करा, हम तो आपको बोल रहे हैं हमारे नुकसान हो रहा है, आप इसको सॉल्व करो, वी आर नॉट सेफ, हमारे घर के आसपास क्या हो रहा है। उसको एक और अजीब मुद्दा क्यों दे दो और बोलो कि मैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। हमने तो प्रॉब्लम आपको बोला नहीं कि है मेरे पास। जब मेरे हस्बैंड और बेटा ड्राइव के बाद आ गए हैं घर, ओके, आराम से घर में हम लोग 15-20 मिनट के बाद अपनी गाड़ियों को चेकआउट कर रहे हैं, सडनली ठाकुर आते हैं और सीधा मेरे बेटे के गले गरेबान पे पड़ते हैं और मेरे हस्बैंड को बोलते हैं कि मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, मुझे मारने की कोशिश करी। आई वाज सरप्राइज, मैं भी बाहर गेट के बाहर खड़ी हूँ। मैंने उनको बोला कि मैं मन में सोचा कि भाई 15-20 मिनट के बाद रिएक्शन हुआ कि आपको कोई मारने आ रहा है, क्यों मारेगा आपको, देयर इज नथिंग बेटर टू डू इन लाइफ देन किल पीपल। नॉर्मल कोविड के दिनों में हम अपनी गाड़ी को रवाना करने के लिए दोनों जिन्हें बाहर गए हैं, बाप बेटा गए हैं क्या स्पीड में जाके गाड़ियां चलाने के लिए और लोगों को नीचे देने के लिए। उनको पता है ठाकुरदास रोड पे चल रहा है, उनके ऊपर हमें टाइमिंग्स पता है उनकी कि कौन से टाइमिंग पे बाहर घूम रहे हैं। वो तो सीधा आके मेरे हस्बैंड के गरेबान पे पड़ गए, उनको धक्का मारा। मैं चाहती हूँ कि न्याय हो, मैं तभी तो मैंने ही उस टाइम पुलिस को बुलाया। बाप के ऊपर कोई डंडा लेके मारेगा तो उसको समझ नहीं आएगी, अच्छा सडनली तुमने इतने 40-50 लोग पता निकाल के परवानों के सेक्टर अपना 8 नंबर वार्ड इकट्ठा कर लेते हो, मैं कहाँ से इकट्ठा करूँ। मेरे बेटे ने भी उसी टाइम बोला कि फटाफट मैम को बुलाओ, यहाँ पर और किसको बुलाऊँ, वुमन अध्यक्ष को ही बुलाऊंगी ना मैं उस टाइम पे, मेरे को और किसी का नाम नहीं आएगा। मैंने फटाफट पहले तो मैंने DSP साहब को फोन करा, सबसे पहले उन्होंने कहा मैं इमीडिएटली भेज रहा हूँ पुलिस। दो मिनट थोड़ी देर के बाद पुलिस आ गई है, उतनी देर में ही मैंने उससे पहले डेजी ठाकुर को फोन करा। मैंने कहा आई डोंट केयर आप आ सकती नहीं आ सकती, आप अलाउड है नहीं अलाउड है, यू हैव टू बी हेयर एज अ वुमन, आई एम आस्किंग यू टू बी हेयर क्योंकि आप इन टाउन हो तो आइए। बेचारों की कार 3 बार ही ठुकी है, ऑल बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज मैं फ्रेंटिकली उनको कॉल कर रही थी। मैंने कहा मैंने पुलिस स्टेशन अकेले जाना ही नहीं है। ये नहीं लग रहा कि पड़ोसियों की लड़ाई को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? आई हैव नो, लग ही रहा है मुझे भी तो, बिकॉज लड़ाई है नहीं भी पड़ोसियों की जी, वी डोंट फाइट। हमने हमेशा कहा कि बात है नहीं है, उसको प्लीज खत्म कर दो। राजनीति हो रही है बस, आई डोंट नो क्या हो ही रही है, राजनीति की हो रही है। वहीं महिला आयोग की अध्यक्षा डेजी ठाकुर ने सफाई देते हुए कहा कि अगर कोई भी महिला उन्हें शिकायत करेगी और वह परेशान होगी तो वे अवश्य महिला के साथ देंगी, इसी उद्देश्य को वे लेकर महिला को लेकर थाने गई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेवजह मामले को तूल दे रही है। जो भी उन्होंने कहा है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। किसी महिला के लिए अगर मैं खड़ी हुई एक महिला के लिए मदद करने के लिए तो मैं वो तो कभी भी कोई भी महिला मुझे बुलाएगी मैं हमेशा उनके लिए खड़ी हूँ। महिला आयोग की अध्यक्षा भी हूँ और मैं परवानों से पार्षद भी हूँ। धन्यवाद।